दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर ट्रीटमेंट के MCQs के बारे में, जो कि आपके लिए JEE पॉइंट ऑफ व्यू से और AEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, द ट्रीटमेंट्स विच आर जनरली गिवन टू ट्रीट रॉ वाटर सप्लाईज फॉलो द सीक्वेंस। तो ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, तो हमें इसमें से बताना है कि जब हम रॉ वाटर को ट्रीट करेंगे तो हम कौन से सीक्वेंस से चलेंगे। तो हमें याद रख लेना चाहिए कि सबसे पहले जब हम रॉ वाटर को ट्रीट करेंगे तो हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन और उसके बाद डिसइंफेक्शन। हमें याद रखना है कि जो सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद सबसे एंड पे डिसइंफेक्शन होगी। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह पर हमें बोला गया है द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 0.1 mm डाया वेरीज विद डाया डी इन प्रोपोर्शन टू। ऑप्शन ए इज डी क्यूब, ऑप्शन बी इज डी स्केयर, ऑप्शन सी इज डी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम एज डाया डज नॉट अफेक्ट द सेटलिंग वेलोसिटी। तो हमें सेटलिंग वेलोसिटी बतानी है और अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 0.1 mm डाया दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टोक्स लॉ लगा सकते हैं। स्टोक्स लॉ क्या था थोड़ा सा हमें याद होगा, वी एस इज इक्वल टू डी स्केयर अपॉन 18, तो आगे जी माइनस 1, तो आगे जी अपॉन न्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेटलिंग वेलोसिटी थी वो डी स्केयर के बिल्कुल प्रोपोर्शनल आती थी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें है द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स लार्जर देन 0.1 mm डाया। अब यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो लार्जर देन 0.1 mm डाया है, तो इसका हमें याद रख लेना है कि इसकी सेटलिंग वेलोसिटी वेरी करेगी प्रोपोर्शनल टू डी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, सेडिमेंटेशन कैन रिमूव इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन। ऑप्शन ए इज 2.65, ऑप्शन बी इज 1.65, ऑप्शन सी इज 1.2 एंड द ऑप्शन सी इज 1.03। अब हमें बताना है कि जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं, यानी कि जब हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में जो प्रोसेस आता है, सेडिमेंटेशन का जो स्टेप आता है, उसमें जो भी पार्टिकल्स जो सेटल होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो वो हमेशा ही 1.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। जिन पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से ज़्यादा होगी वो सेटल कर जाएंगे, और जिनकी 1.2 से कम होगी तो वो सेटल नहीं करेंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमें याद रख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, पार्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड इन ए कंटीन्यूअस फ्लो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक शुड हैव सेटलिंग वेलोसिटी। ऑप्शन इज मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, ऑप्शन बी इज लेस देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, ऑप्शन सी इज नेदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज हाफ ऑफ द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटीन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि एक तरफ से पानी अंदर को आएगा और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलेगा। अब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि ये हमारे पास कोई भी सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ से वाटर आएगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब इस पार्टिकल को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में ये इतने डिस्टेंस के अंदर अंदर ही पार्टिकल हमारा सेटल हो जाना चाहिए नीचे। तो उसके लिए क्या कहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो उनकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए,
मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से यहाँ तक जाने से पहले ही सेटल हो जाने चाहिए, यानी कि उनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए देन द मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अब ऑप्शन बी में क्वेश्चन नंबर 75 में बोलता है डिटेंशन टाइम ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक। अब हमें डिटेंशन टाइम बताना है सेडिमेंटेशन टैंक का, तो हमें उसका डिस्चार्ज भी दिया गया है, लेंथ भी है, विड्थ भी और डेप्थ भी। तो हमें डिटेंशन टाइम फॉर ए सेडिमेंटेशन टैंक का हमें फार्मूला याद होना चाहिए, वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ फ्लो। तो अब वॉल्यूम ऑफ टैंक किसके बराबर आएगा, टैंक की लेंथ भी है, विड्थ भी और डेप्थ भी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ अपॉन रेट ऑफ फ्लो जो कि है क्यू। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वाला फार्मूला हमें याद ही रखना होगा, डिटेंशन टाइम फॉर सेडिमेंटेशन टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ फ्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछता है कि जो डिटेंशन टाइम होगा सेडिमेंटेशन टैंक के लिए वो कितना रहेगा, मे वेरी बिटवीन। अब हमें याद करना है कि जो अब हमें यहाँ पर बोला गया है द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेंटेशन टैंक, अब हमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि ये प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है या फिर कोआगुलेंट वाला सेडिमेंटेशन टैंक है, यानी कि सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन या फिर प्लेन सेडिमेंटेशन है। जब हमें नहीं बोला जाएगा तो हम इसको ट्रीट करेंगे एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के तौर पर। जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होगा तो उसका जो डिटेंशन टाइम होगा वो आएगा 4 to 8 hours, और जो हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक होगा विद कोआगुलेशन उसके लिए जो डिटेंशन टाइम आएगा वो आएगा 2 to 4 hours। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का वो कितना आएगा, 4 to 8 hours। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 77 है फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक। अब हमें बताना है कि जब हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे तो जो सेडिमेंटेशन टैंक की जो एफिशिएंसी होगी वो किस तरीके से इंक्रीज की जाएगी। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि कोई भी जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो सेडिमेंटेशन टैंक की हम एफिशिएंसी हम तब भी इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर उसके जो उसका डिटेंशन पीरियड होगा अगर हम वाटर को ज़्यादा रख सकें। तो वो हम कैसे करेंगे, जब भी कभी हम इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टैंक उससे क्या होगा कि जो वाटर का डिटेंशन टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इससे सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 78 कहता है द अमाउंट ऑफ कोआगुलेंट नीडेड इन वाटर ट्रीटमेंट इंक्रीजेस विद द, अब हमने जो कोआगुलेंट यूज किया उसका हमें रिलेशनशिप बताना है कि वो किस तरीके से इंक्रीज करेगा। तो हमें याद रखना है कि जो जब हम टर्बिडिटी बढ़ाएंगे वाटर की उसके साथ साथ जो कोआगुलेंट की जो अमाउंट होगा वो भी बढ़ेगा, यानी कि जब वाटर ज़्यादा टर्बिड होगा तो हमें ज़्यादा कोआगुलेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 79 है कोआगुलेंट्स यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर व्हेन द रॉ वाटर इज, अब हमें बताना है कि जो हम कोआगुलेंट्स यूज करते हैं वो सबसे बेस्ट कब हमें रिजल्ट देंगे। तो वो हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट तभी देंगे जब हमारे पास जो वाटर होगा वो व्हेन द रॉ वाटर इज अल्कलाइन। इस केस में हमें कोआगुलेंट्स बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। देयरफॉर ऑप्शन
बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, क्लोरीनेटेड कॉपरस में बी ए प्रेफर्ड कोगुलेंट इवन इन वाटर ट्रीटमेंट वेर ड्रा वाटर इज। तो ये जो क्लोरीनेटेड कॉपरस है इसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, तो ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास वाटर जो होगा वो एसिडिक होगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 81 है, क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स इज डन बाय। अब हमें बताना है कि जो स्लो सैंड फिल्टर्स हैं जब हम उसकी क्लीनिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ऑप्शन ए इज स्क्रैपिंग द टॉप लेयर एंड रिमूवल ऑफ सैंड, ऑप्शन बी इज बैक वॉशिंग, ऑप्शन सी इज एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हमें याद रखना है कि जब भी कभी हम स्लो सैंड फिल्टर्स की बात करेंगे जो उसकी क्लीनिंग होगी या फिर जो उसकी वॉशिंग होगी वो हम कैसे करेंगे, स्क्रैपिंग द टॉप लेयर एंड रिमूवल ऑफ सैंड। जो बैक वॉशिंग होगी ये हम कब यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में। तो हमें याद रखना है कि जब रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात आएगी उस केस में हम क्लीनिंग करेंगे बैक वॉशिंग के जरिए से, और जब स्लो सैंड फिल्टर्स की बात आएगी तो उसमें जब हम क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो हम करेंगे स्क्रैपिंग द टॉप लेयर एंड रिमूवल ऑफ सैंड। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 82 कहता है द परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर विच इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। अब हमने बताया था कि पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि रैपिड ग्रेविटी फिल्टर हम क्या करेंगे, बैक वॉशिंग। अब बैक वॉशिंग में कितना हम पानी यूज करेंगे उसको बैक वॉश करने के लिए, जो हम फिल्टर्ड वाटर यूज करेंगे उसकी क्या परसेंटेज होगी, तो ये हमें याद रख लेनी है, वो होगा 2-5% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर। यानी कि जो हमने रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स में जो पानी हमने फिल्टर किया है उसका 2-5% तक हम पानी को यूज करेंगे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स को बैक वॉशिंग के लिए। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 83 क्वेश्चन कहता है बैक वॉशिंग ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स मे फेस रफ वेदर ड्यू टू। अब हम बैक वॉशिंग कर रहे हैं, अब बैक वॉशिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रफ वेदर की वजह से वो कौन सी होंगी, तो वो है मड बॉल्स। अब क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर से जो भी मतलब डस्ट वगैरह होगी वो हमारी सैंड के ऊपर आ जाएगी, तो वहाँ से वो पेनिट्रेट हो जाएगी नीचे की तरफ, यानी कि जो मतलब जो बॉटम लेयर्स ऑफ सैंड है वहाँ पर पेनिट्रेट कर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि बैक वॉशिंग में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि मड बॉल बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 84 कहता है एयर बाइंडिंग फेनोमेनन इन रैपिड सैंड फिल्टर्स में अकर ड्यू टू। अब रैपिड सैंड फिल्टर्स में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतलब जैसे कि मड बॉल फॉर्मेशन हो गया, एयर बाइंडिंग हो गया, तो हमें बताना है कि जो एयर बाइंडिंग फेनोमेनन होता है रैपिड सैंड फिल्टर्स में वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर की वजह से। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे वाटर ट्रीटमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं आगे बचे हुए इम्पॉर्टेंट वाटर ट्रीटमेंट के एमसीक्यूज के बारे में। तब तक हमारे चैनल को हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।